हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आज के वीडियो में आपके लिए लेके आऊँ कि हम कैसे डायल पैड टोन को डिसेबल कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, मैं आज की वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो गाइस, यहाँ पे आपको करना है, आपको यहाँ पर जाना है मोबाइल सेटिंग पे। तो हम यहाँ पे मोबाइल सेटिंग पे चलते हैं। तो गाइस, यहाँ पे आपको मोबाइल सेटिंग का ऑप्शन दिया गया है, जिसको हम क्या करें पहले ओपन। तो हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। और गाइस, ये आपको रेडमी का फ़ोन दिया गया है। तो गाइस, यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं, आपका मोबाइल सेटिंग का पेज ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद आपको गाइस क्या लेना है, यहाँ पे आपको गाइस काफ़ी सारी फंक्शन दी गई है। तो आपको यहाँ पे जाना है साउंड ऑफ वाइब्रेट पे। तो यहाँ पे आपको साउंड ऑफ वाइब्रेट का ऑप्शन भी दिया गया है, जिसको हम क्या लेंगे ओपन कर लेंगे। ओपन कर लेने के बाद आपको गाइस क्या लेना है, सबसे नीचे जाना है। सबसे नीचे बाद आपको गाइस क्या लेना है, यहाँ पे आपको गाइस एडिशनल सेटिंग मिलता है, जिसको हम क्या लेंगे पहले ओपन। अब ओपन कर लेने के बाद आपको गाइस क्या लेना है, यहाँ पे आपको गाइस डायल पैड टोन दिया गया है, जिसको हम क्या लेना है डिसेबल। तो हम यहाँ पे डिसेबल कर लेते हैं। तो वह जो आपका डायल पैड टोन है वो आपका डिसेबल हो चुका है। और यहीं पे हमारी वीडियो समाप्त होती है। अगर आपकी वीडियो ये अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।